बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, इसलिए मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने सोचा भाई पिज़्ज़ा मैंने खा कर देखा, इतना मज़े का बना, इतना मज़े का बना, मैं रह नहीं सकी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा वैसे बना कर खा लिया था, खाने लगे तो वैसे बहुत मज़े का कलर था, इसलिए मैंने सोचा दिखाती हूँ मैं कैसे बनाया। ठीक है, चीज़ें चीज़ों का है ना, जो जो चीज़ें डाली थी आटे में वो, ये देखो, ये सबसे पहले ये 1 किलो मैदा, दो बंदे, एक है इधर से ऐसे मिलता है, देखो पाकिस्तान तो जो भी मिलता है वो डाल, देखो ठीक है। ये पहले मैं वो थोड़ा कम डाल दी थी 1 किलो में, ये मैंने अब डाला 1 आधा कप, ठीक है। ये देखो ये आधा कप छोटा कप है चाय वाला, वैसे मैं तो जिसमें चाय पीती हूँ वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा आप लोगों ने देखा था, ये तो मैंने भाइयों के लिए मेहमानों के लिए रखा है काफ़ी जो पीते हैं। ये देखो टमाटर पेस्ट ये वाली, अब मैं दिखाती हूँ, ये देखो ठीक है। और मैदे में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ये चीज़ें हैं जिन्हें डालनी मैदे में, ये तो वैसे है ठीक है। ये देखो जी, ये मैंने रखा हुआ था, देखो देखो 1 किलो में ये सब चीज़ें डाली है, ठीक है। 1 किलो में ये मैंने सब चीज़ें डाली है, एक एफे, दो अंडे, आधा कप ऑयल, 1 किलो मैदा, ठीक है। नमक डालना हो तो डाल ले, वैसा तो मैं कभी एक बार डालती हूँ कभी नहीं भी डालती। देखो जी ये मैं बनाई थी पेस्ट, ठीक है, सौदे बनाई थी, मरच हसबे ज़रूर डाल लो, नमक हसबे ज़रूर डाल लो, फिर जो ज़रूरी चीज़ मैं डालती हूँ धनिया, सबल धनिया दूसरा नहीं डालना, तो मैंने डाला था 1 चम्मच दोनों मिला के, 1 चम्मच अदरक लहसुन की, ये 1 चम्मच दोनों मिला, एक एक नहीं डालनी, सिर्फ ये 1 चम्मच डालनी है मसाले तौर पर, आधा चम्मच अदरक का आधा चम्मच लहसुन का, ठीक है। ये हो गया, इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है, ये मैं कभी कभार ऐसे बना के खाने के साथ भी खाती हूँ, रोटी के साथ भी, ठीक है। इतनी मज़े की ये बनती है, बच्चे नहीं खाते मुझे पता है, मेरे भतीजों के बच्चे आते हैं, भाई के वो बड़े जो हो गए हैं बहुत खाते हैं, छोटे नहीं खाते हैं, उनके लिए मैं अलहदा बना लेती हूँ, तो ये वाली हम बड़ों के लिए होती है, पर एक दफ़ा मेरे कहने पे ये ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये लो जी पिज़्ज़ा, ठीक है, देखो कितना मज़े का बना है, यकीन मानो इतना मज़े का। वैसे मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए मैं आप लोगों को दिखाया नहीं बनाते हुए, ठीक है। ये इतना नरम, जैसे पाकिस्तान पहले पकवान बनते थे ना, वो वाला जायका आता है, ठीक है। देखो मेरे मियाँ जी को बहुत अच्छा लगा, एक चीज़ ज़रूरी बताती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ये स्टोन है, ठीक है, मैं स्टोन के साथ ही खाती हूँ पिज़्ज़ा, वैसे मैं आज बताया आपको,
आप लोगों को दे दे, ऐसे ऐसे करना। अभी नहीं मैं करने लगा, ठीक है बाद में खाती हूँ मज़े के साथ, ठीक है। ये मेरे कहने पे आपने दो बातें ज़रूर सुननी है, ठीक है, करनी है। एक जो सोते बनाओ टमाटर पेस्ट बनाओ, अदरक लहसुन डालना है, सब धनिया डालना है, मिर्च नमक आप हाथ पे ज़रूर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा जब बनाओ ये ऊपर डाल के खाना, ठीक है। इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है, आप मुझे याद करोगे, ठीक है। चलो जी ठीक है, पिज़्ज़ा मेरा ठंडा हो रहा है। देखो मैंने एक पीस खाया था मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ना शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं देना पड़ता, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो मेरी मुकम्मल देखना शुरू से आखिर तक देखा करो, कोई बात नहीं, किसी का भला कर देना सदका जारिया होता है। तो मुझे भी दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे दुनिया में आखिरत की, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों का भला करे। तो मुझे भी, तो मेरे मियाँ जी को ज़रूर दुआ में याद रखना, ठीक है। अब मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।